अपॉर्चुनिटी दोस्तों, अपॉर्चुनिटी डज नॉट कम ऑटोमेटिकली इन द लाइफ ऑफ एनी ह्यूमन। किसी भी इंसान के जीवन में अवसर अपने आप नहीं आता, बल्कि इसे लाना पड़ता है। सही अवसर के चक्कर में दुनिया के बहुत सारे इंसान का सपना सपना ही रह गया और वे दिन पर दिन एक ही स्थान पर बैठे रह गए। लेकिन इन्हीं में कुछ ऐसे पागल भी थे जो इस बेरोजगारी के मौसम में भी अपने आप को साबित किया और कुछ करके दिखाया। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे ही इंसान की बात करेंगे जो अपने जोश और जुनून के दम पर पूरे दुनिया में एक ऐसा मिसाल कायम किया जो हर एक इंसान की बस की बात नहीं। इस महान इंसान का नाम है दशरथ मांझी। जब दशरथ मांझी ने 360 फुट लंबा, 25 फुट ऊंचा और 30 फुट चौड़ा पहाड़ को काटना शुरू किया तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि वे इस काम को पूरा कर पाएंगे। लेकिन 22 साल बाद दशरथ मांझी ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे सारा दुनिया सलाम करती है। उन्होंने अपनी कमजोरी के अवसर के रूप में देखा और उसी अवसर के कारण आज दुनिया दशरथ मांझी को जानती है। अगर दशरथ मांझी ने अनजाने में वह निर्णय नहीं लिया होता तो शायद ही हम दशरथ मांझी को जानते। दोस्त, अपॉर्चुनिटी कभी आपके इनविटेशन पर नहीं आती, बल्कि इसे लाना पड़ता है। दुनिया का हर एक मोटिवेशनल स्पीकर कहता है कि अपने कमजोरी को मजबूती में बदलो और इस पर इतना काम करो कि सफलता आपके कदम चूमने के लिए तैयार हो जाए। दशरथ मांझी जैसा एक अज्ञान और वृद्ध इंसान दुनिया में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपके पास उनसे ज्यादा कहीं अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को ढूंढ निकालने का जज्बा आप में होना चाहिए। जब एक अशिक्षित इंसान दुनिया में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है तो आप उससे कहीं ज्यादा अच्छे हो। तो आज से ही आप अपने हर कमजोरी को अपॉर्चुनिटी में बदलो और इस पर इतना काम करो कि हमेशा के लिए सफलता आपके पास आ जाए। दोस्त, दुनिया में कई ऐसे इंसान हैं जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया है, तो आपको तो संभव को संभव करना है। माउंटेन मैन के नाम से विख्यात दशरथ मांझी का जन्म 14 जनवरी 1929 को बिहार के गहलौर में हुआ था। बचपन से ही वे मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे, लेकिन इन्होंने अपने जुनून के बदौलत एक विशालकाय पर्वत को धराशायी कर दिया। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए 2006 में बिहार सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। इनके निजी जीवन की तरफ रुख करें तो इनका विवाह फगुनी देवी नाम के एक महिला के साथ हुआ और इन्हीं से प्रेरणा लेकर इन्होंने पर्वत को काटना प्रारंभ किया। बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करने के बाद 17 अगस्त 2007 को दिल्ली में इनका निधन हो गया, लेकिन आज भी ये सभी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। दोस्त, अपॉर्चुनिटी तो हर इंसान के जीवन में आता है, लेकिन इसे देखने का क्षमता हर एक के पास नहीं होता। जिसने इसे पहचान लिया वह सफल होने से नहीं रुक पाएगा।